الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान महतरम और बिरादरान अजीज, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह असर की तफसीर का बयान कुछ अरसे से शुरू किया हुआ है, बीच में वक्फे आते रहे। हासिल इस सूरत का यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाकर, यानी वक्त की कसम खाकर, वक्त को गवाह बनाकर ये बात फरमाई है कि इंसान बड़े खसारे में है, बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं, नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। जैसा मैंने पहले बयानात में अर्ज किया था, इंसान को खसारे में इसलिए करार दिया है कि उसकी उम्र जो है वो एक सरमाया है उसका, वो हर आन घट रही है। तो सरमाया अगर घटे तो इसी का नाम खसारा है। हां, अगर सरमाया इस तरह घटे कि उसकी जितना घटा है उसके बदले में उससे कोई अच्छी चीज मिल जाए तो ये फायदा है। जब कोई तिजारत करता है तो सरमाया अगर घटता है, यानी जो कुछ सामान बेचने के लिए लाया वो किसी ने खरीद लिया, उसके बदले में दूसरे पैसे आ गए तो नफा हो गया। लेकिन अगर आया कुछ नहीं और सरमाया जाता ही रहा, घटता ही रहा, तो इसी का नाम खसारा है, इसी का नाम नुकसान है। तो इंसान की जिंदगी के लम्हात भी एक उसका सरमाया है। इनका जो लम्हा भी गुजर रहा है वो घट रहा है, सरमाया घट रहा है। हां, अलबत्ता अगर कोई शख्स इस घटते हुए सरमाए के बदले में कोई अच्छी चीज हासिल कर ले तो ये फायदा है। तो कुरान ने फरमाया कि अगर इस खसारे से बचना चाहते हो तो चार बातें हैं: ईमान, अमल सालेह यानी नेक अमल, और तीसरे हक बात की नसीहत करना, और सब्र की नसीहत करना। ये चार बातें हैं, ये अगर पूरी कर लोगे तो ये घाटा खत्म हो जाएगा, उसके बदले में नफा आ जाएगा। तो इनमें से दो बातों का बयान पिछले बयानात में हुआ है, ईमान और अमल सालेह का। अल्लाह ताला अपने रहमत से हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए।
बात चल रही थी आखिरी दो बातों की, यानी हक की नसीहत और सब्र की नसीहत। और बतलाना यह मकसूद है कि इंसान की कामयाबी के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वह खुद नेक बन जाए, बल्कि उसके जिम्मे यह भी है कि वह दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश करे। अब यह कोशिश करना, यानी दूसरे को दावत देना, दूसरे को तबलीग करना, दूसरे को अल्लाह ताला की के अहकाम पहुंचाना और उस अहकाम पर अमल दरामद की नसीहत करना, ये तबलीग कहलाता है और दावत कहलाता है। इसके मुख्तलिफ दरजात हैं, यानी बाज़ मर्तबा ये तबलीग फर्ज है, फर्ज ऐन, हर इंसान के जिम्मे इतना ही जरूरी है जितना के उसके लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। बाज़ मर्तबा ये फर्ज किफाया है और बाज़ मर्तबा मसनून और मुस्ताहब और काबिल अजर सवाब है। ये तीन मुख्तलिफ दरजात हैं उसके। जहां फर्ज ऐन है, यानी हर इंसान के, हर मुसलमान के जिम्मे इसी तरह फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, वो सूरत है जबकि किसी शख्स को दूसरे पर इख्तदार हासिल हो। जिन जिन लोगों पर उसका इख्तदार हासिल है, यानी उसकी बात मानी जाती है, उसको एक हाकिम की हैसियत हासिल है, तो उसके जिम्मे फर्ज ऐन है कि वो अपने जो मातहत लोग हैं उनको तबलीग करे, उनको दावत दे, उनको नरमी से भी समझाए, अगर नरमी से बाज ना आए तो जबरदस्ती भी करे उनके ऊपर, ये भी जायज है। वो कौन सी सूरत, जबकि इख्तदार हासिल हो। जैसे एक हाकिम है उसको इख्तदार हासिल है अपने सारे मातहतों के ऊपर, तो उसके जिम्मे फर्ज है कि वो अगर कोई बुराई देखता है तो अपने हाथ से उसको रोके, क्योंकि उसको इस बात की कुदरत हासिल है। और इसी तरह कोई महकमे का सरबराह है, किसी महकमे का सरबराह है, उसके जिम्मे उस महकमे को और उसके अंदर जो उसके मातहत हैं उनको बुराई से रोकना उसके जिम्मे फर्ज ऐन है। अगर नहीं रोकेगा तो सख्त गुनाहगार होगा। और इसी तरह कोई इंसान अपने घर वालों के ऊपर इख्तदार रखता है, जो किसी खानदान का सरबराह होता है, बाप है मसलन, उसकी औलाद है, उसके ऊपर वो उसको इख्तदार हासिल है, शौहर है उसको अपनी बीवी पर इख्तदार हासिल है, तो बीवी बच्चों पर जो इख्तदार हासिल है वहां पर भी उसको दीन की तरफ लाना, दीन की बात उनको पहुंचाना और उनको बुराई से रोकना, ये उसके जिम्मे फर्ज ऐन है। ये इसलिए, ये बड़ी अहम बात इसलिए है कि बहुत से हजरात हैं जो अपनी जात में तो माशाल्लाह दीन पर चलने वाले हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं, सफे अव्वल के पाबंद हैं और रोजा रखते हैं, जकात देते हैं, हज अदा करते हैं, गुनाहों से भी महफूज रहने की कोशिश करते हैं, अपनी जात में नेक है, लेकिन औलाद कहां जा रही है और घर वालों का क्या हाल है उसकी परवाह नहीं। अगर औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो परवाह नहीं, अगर औलाद गलत कामों में, नाजायज कामों में मुबतला है तो उसकी परवाह नहीं। ये बड़ी खतरनाक बात है। कुरान कहता है कि सिर्फ तुम्हें नेक बनना नहीं है बल्कि अपने घर वालों को भी नेक बनना। या अय्युल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ।
ये घर वालों को बचाना भी इसी तरह जिम्मे जरूरी है जैसे कि इंसान का खुद नमाज पढ़ना जरूरी है। तो ये इख्तदार जहां पर हासिल हो वहां पर अगर फर्ज करो नहीं कोई पढ़ते हैं, जिसमें आता है कि 7 साल की उम्र में जब बच्चा हो जाए तो 7 साल की उम्र से उसको नमाज सिखाओ, अगर चाहे उसके जिम्मे फर्ज नहीं हुई बालिग नहीं हुआ लेकिन 7 साल की उम्र से उसको सिखाना शुरू करो ताकि वह आदत पड़े उसको। और फरमाया कि 10 साल की उम्र में अगर न पढ़े तो मारो, मार कर पढ़वाओ, इसलिए कि तुम्हें उस पर इख्तदार हासिल है, उसको आदि बनाने के लिए जरूरी है कि उसको अगर मारना पड़े तो मारो भी ताकि वो आदत पड़ जाए, यहां तक कि जब बालिग हो जब नमाज उसके ऊपर फर्ज हो तो वो पूरी तरह आदि हो चुका हो। तो इसलिए अपने जो जेरे इख्तदार लोग हैं उनके ऊपर हाथ से, ये जो हदीस में आता है ना कि हदीस में फरमाया कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिह, कि अगर तुम में से कोई शख्स कोई बुराई होता हुआ होती देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। फइल्लम यस्तते, अगर हाथ से नहीं रोक सकता फबिलिसानी, तो जबान से रोके। फइल्लम यस्तते, अगर जबान से भी कहने की जरूरत नहीं है या जबान से कहने में कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा है फबी कल्बी, तो कम से कम दिल से तो बुरा समझे उसको। तो ये बात जो कुरान करीम इस सूरत के अंदर फरमा रहा है वो ये कि मुसलमानों को खुद नेक बन जाना काफी नहीं है उनके लिए, बल्कि उनको दूसरों तक हक बात का पहुंचाना ये भी फर्ज है, ये भी जरूरी है। अगर इख्तदार है तो हाथ से, अगर इख्तदार नहीं है तो फिर कम से कम जबान से लोगों को समझाए और उनको गुनाहों से बाज रखने की कोशिश करें, बुराइयों से बचाने की कोशिश करें, ये उसके जिम्मे ये भी जरूरी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया एक मरतबा कि एक बस्ती थी जिसमें लोग फिस्क व फुजूर में मुबतला थे, गुनाहों में मुबतला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अजाब उसके ऊपर भेजा और अजाब भेजने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया कि तुम जाकर उस बस्ती को उलट दो, यानी जलजला आ जाए और सारी बस्ती के मकानात उलट जाए और खत्म हो जाए। तो जब यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिला कि पूरी बस्ती को जाके उलट दो, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, आपने सारी बस्ती को उलटने का हुक्म दिया है लेकिन इसमें आपका एक ऐसा बंदा भी रहता है कि उसने एक लम्हे के लिए भी कभी आपकी कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, एक ऐसा बंदा भी रहता है यानी बड़ा नेक है, इबादत गुजार है, गुनाहों से बचने वाला है, एक लम्हे के लिए भी कभी उसने आपकी नाफरमानी नहीं की, वो बंदा भी रहता है और आपका हुक्म यह है कि पूरी बस्ती को उलट दो, इसका मतलब यह कि वो भी हलाक हो जाएगा। आपने फरमाया उक्लुबहा अलैहि व अलैहिम, जाओ पूरी बस्ती को उलट दो और उसको भी उलट दो। क्यों? वजह यह बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, क्यों लियन्ना वजहु लम यतमअन फिया साअतन कत, वो अगरचे खुद से तो नेक था, गुनाहों से बचता था, लेकिन जो सारी उसके माहौल में गुनाह हो रहे थे, उसके माहौल में जो बुराइयां फैल रही थी, उसके ऊपर कभी उसकी पेशानी पर बल भी नहीं आया, यानी उसने कभी उसके दिल में इसके खिलाफ नफरत नहीं पैदा हुई, कभी उन बुराइयों को खत्म करने का कोई ख्याल उसके दिल में नहीं आया, कोई इरादा उसने नहीं किया कि मैं भी इन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करूं।
इसलिए अगरचे वो खुद नेक था, लेकिन चूंकि उसने माहौल में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, यहां तक कि बेशानी बबल भी नहीं आया, तो इस वास्ते उसको भी खत्म कर दो। ये एक बहुत बड़ी वाइद है जो हुजूर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि खुद अपना नेक बन जाना काफी नहीं, बल्कि अपनी इस्तेआत की हद तक, अपनी कुदरत की हद तक, अपने हल्के असर में लोगों को बुराइयों से बचाना यह भी इंसान के जिम्मे जरूरी है। अब ये जो तीन दर्जे बयान फरमाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या तो हाथ से रोक दो या जबान से, वरना कम से कम दिल में उसको बुरा समझो, ये तीन दर्जे इस तरह हैं कि उलमाए किराम ने इसकी तफसील ये बयान फरमाई कि जो साहिबान इख्तदार हैं, जिनके हाथ में ताकत है, उनके जिम्मे तो यह है कि वह हाथ से रोक दें। जैसे अब हाकिम है कोई, तो हाकिम के पास इख्तदार है, वो एक हुक्म जारी करे, कोई बुराई हो रही हो उसको वहां से खत्म कर देगा, उसके जिम्मे वाजिब है कि वो ऐसा करे, वो नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और हदीस में फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तुम में से हर शख्स किसी न किसी हलके में इख्तदार रखता है और अपने ज़ेर इख्तदार हलके के बारे में वो जिम्मेदार है, उसके बारे में उसको सवाल होगा आखिरत के अंदर। या जैसे कोई, मैंने अर्ज किया कि बाप है, वो औलाद को गलत रास्ते पर देखता है, उसके जिम्मे फर्ज है कि हाथ से रोक दे उसको। लेकिन जो आम लोग हैं जिनको इख्तदार हासिल नहीं, कुव्वत हासिल नहीं, उनको ये शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि तुम जाकर हाथ से रोक दो, क्योंकि उससे लाकानूनियत फैलने का एक अंदेशा है कि हर एक आदमी को अगर कह दिया जाए कि जो बुराई होती देखो जाकर हाथ से रोक दो, तो किसी के दिल में यह आएगा कि मैं बुराई को कोई समझता है नहीं समझता है क्या है, और जाकर उसने हाथ से रोकना शुरू कर दिया तो लाकानूनियत होगी, एनार्की होगी, लोगों में खूनरेजी होगी। ये इसलिए ये हुक्म हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आदमी को नहीं दिया जिसके पास इख्तदार नहीं है कि वह हाथ से रोके। और यहां पर भी बाज़ औक़ात बड़ी बेतदालियां होती हैं, लोग ये हदीस पढ़ ली कि भाई जब तुम में से कोई शख्स कोई बुराई होता देखे तो हाथ से रोक दे, तो लोग समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम अपने कानून अपने हाथ में ले लें और जाकर उस बुराई को अपने हाथ से रोकें। यह मतलब नहीं है। उलमाए किराम ने इसकी तशरीह कर दिया हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे इरशादात की रोशनी में कि यह हुक्म है, हाथ से रोकने का हुक्म है उसको जो साहिब इख्तदार हो। जो साहिब इख्तदार नहीं, वो इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि वह हाथ से रोके, उसके लिए यह है कि जबान से रोके, यानी नसीहत करे, लोगों को समझाए, साहिबान इख्तदार को मुतवज्जह करे, उनसे मुतालबा करे कि वो इस बुराई को रोके, लेकिन खुद मैं चला जाऊं जाकर और जाकर मैं बुराई को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर दूं, ये मतलब इस हदीस का नहीं। आजकल ये भी गलतफहमी फैली हुई है, ऐसे इफराद और तफरीद का दौर है हमारे जमाने में। या तो इतने बेफिक्र हैं कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, बुरी से बुरी हरकत होती रहे, कान पर जूनी रिंगती, पेशानी पर बल नहीं आता और उसको खत्म करने का कोई दाया पैदा नहीं होता, या तो इतनी बेफिक्री है, या बाद लोग जोश तबलीग में और जोश दावत में हुदूद शरीयत को पामाल कर जाते हैं, शरीयत के हुदूद को से मुतजावज हो जाते हैं और जाकर अपने हाथ से ये समझते हैं कि हाथ से रोकना हमारे जिम्मे जरूरी है। ये खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये मतलब नहीं है हदीस का कि हर आदमी डंडा लेकर और वो बाजार में जाकर
برائیوں کو ڈنڈے کے زور سے روکنے کی کوشش کرے، یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں، یہ اصحاب اقدار کا کام ہے. اور بند اور اپنے گھر کے اندر جہاں انسان خود فیملی کا سربراہ ہے، وہاں اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکے. لیکن عام آدمی کا عمومی طاقت، عمومی کام یہ نہیں ہے. ہاں اس کا کام یہ ہے کہ زبان سے زبان استعمال کرے، جہاں ضرورت ہو فہمائش کی وہاں فہمائش کرے، محبت سے کہے، پیار سے کہے، خیر خواہی سے کہے، دل سوزی سے کہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہی ہے. اور لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ عصر کے اندر، وہ تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرو. اب وصیت کا لفظ استعمال کیا، دیکھو ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کرو، نصیحت بھی نہیں کہا، وصیت. وصیت عام طور سے کہا جاتا ہے اس نصیحت کو جو کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے اولاد وغیرہ کو جو کرتا ہے اس کو کہتا ہے نا وصیت. فلاں شخص نے جاتے ہوئے یہ وصیت کی. تو وصیت عام طور سے وہ شخص کرتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے اعضاء اقربا کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو خیال ہو کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، وہ اپنی اولاد کو جب وصیت کرے گا تو کس جذبے کے ساتھ کرے گا؟ اس میں سوائے خیرخواہی کے کوئی اور نہیں، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی مقصد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو جا رہا ہے دنیا سے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ دوسروں کو جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ درحقیقت دل سوزی سے ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کے اصلاح کی طلب اس کے دل میں ہوتی ہے، ان کی اصلاح کا ایک زبردست جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ فلاں چیز سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے، فلاں کام کرنا، فلاں کام نہیں کرنا. تو وہ پیار سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، للہیت سے کرتا ہے، دل سوزی سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی بات کی نصیحت کرو، کوئی کام کرنے کو کہو یا کسی برائی سے اس کو روکو، تو تمہارا جذبہ وہی ہونا چاہیے جو ایک مرنے والے کا وصیت کرتے وقت ہوتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کہو. اور یاد رکھیے، یہ میں اپنے ایک بزرگ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان کے بانیوں میں سے تھے اور شیخ الاسلام، عجیب اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی اور کبھی اس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ بات حق ہو، تواصو بالحق، حق بات ہو، غلط نہ ہو. دوسرے، حق نیت سے ہو، یعنی دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی ہمدردی ہو، دل سوزی ہو، ایسے ہو جیسے کوئی بیمار کو علاج بتاتا ہے کوئی ڈاکٹر یا حکیم کہ یہ بیمار ہے، تو اس کی خیر خواہی میں بتاتا ہے بھائی فلاں دوا کھا لو. جس محبت سے، جس پیار سے، جس خیرخواہی سے وہ بتاتا، اس خیرخواہی، ایسی نیت جو ہو وہ صرف اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، ذلیل کرنے کی نیت نہ ہو.
उसको ख्वार करने की नीयत ना हो, उसकी तौहीन करने की नीयत ना हो, या अपना अपनी बड़ाई जिताने की नीयत ना हो। खराबी कहां से पैदा होती है? बात तो आप हक कह रहे हैं, लेकिन दिल में शैतान ये डालता है कि ये बात मैं जरा मजमे के सामने कहूंगा तो लोग कहें कितना हकगो आदमी है। अपनी हकगोई का सिक्का बिठाने के लिए, अपने हकगोई का की तारीफ हासिल करने के लिए कहा जाए तो खराब नीयत खराब हो गई, वो नीयत हक न रही, उसका फायदा नहीं पहुंचे। या दूसरे को जलील करना हो कि जरा इस लोग देखें मैं आज इसको टोकूंगा, बरसरे आम टोकूंगा, लोगों को पता चले कि ये कितने पानी में है, तो उसको जलील करने की नीयत हो गई। कितना ही खराब से खराब इंसान, खराब से खराब काम कर रहा हो, आपको जलील करने का हक नहीं पहुंचता। आपको हक ये पहुंचता है कि आप उसको समझाएं, आप उसको, हां अगर उसका नुकसान आम लोगों को पहुंच रहा है तो उस वक्त मौके पर कुछ सख्ती करने का भी मौका आ जाता है, लेकिन आम तौर से जो बुराइयों को रोकने का मतलब होना चाहिए वो खैरखाही होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, प्यार से करें, डांट कर ना करें, जलील करके ना करें। तन्हाई में जाकर अब देखो हजरत हसनैन, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अल्लाह ताला ने नवासा बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सल्ला उनके बारे में वाकया आता है कि एक मर्तबा वो कहीं सफर में जा रहे थे तो दरिया के किनारे वुजू के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां एक बड़े मियां थे, यानी बड़े उम्र रसीदा आदमी थे, वो वुजू कर रहे थे गलत सलत, यानी वुजू के जो आदाब हैं, वुजू की जो सुन्नतें हैं वो पूरी तरह अदा नहीं कर रहे थे, ठीक से वुजू नहीं कर रहे थे। तो अब ये थे उम्र में छोटे और वो उम्र में बड़े, तो अब ख्याल हुआ कि एक तरफ तो हमारा दीन का तकाजा यह है कि इनको सही वजू का तरीका बताया जाए, दूसरी तरफ अगर इनको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो हो सकता है बड़े हैं तो इनके दिल पे कोई मलाल आ जाए, कोई इनका दिल टूटने लगे। तो क्या किया, उनके पास गए, जाकर कहा कि भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे, हमारी एक दरखास्त है, दरखास्त यह है कि हम जरा वुजू करते हैं, हमें वुजू का सही तरीका पूरी तरह पता नहीं है कि कौन सी चीज इसमें अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है, तो उसका सही तरीका समझना चाहते हैं, तो हम आपके सामने वुजू करके दिखाते हैं आपको, तो जरा ये देखते रहिए और बताइए कि कहीं गलती तो नहीं की हमने किसी वुजू के तरीके में, आप हमारे वुजू के तरीके को देखिए और देख के फिर बताइए कि कहीं इसमें गलती तो नहीं है। तो उनके सामने बैठकर जो सही तरीका था सुन्नत का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा था, उस तरह वुजू किया, वुजू करके पूछा कि बताइए कोई गलती तो नहीं हुई, तो वो बड़े मियां जो थे उन्होंने कहा भाई गलती आपसे तो हुई नहीं, अब आपको देख के मुझे पता चला कि हकीकत में तो गलती मुझसे हुई थी। तो अब बात पहुंचा भी दी और इस तरह पहुंचा दी कि जिससे न सिर्फ यह कि उनकी कोई तजलील ना हुई, उसके बजाय उनकी एक इज्जत अफजाई हुई और हकीकत सही बात पहुंच भी गई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तवासव फरमाया है कि वसीयत, आज हमारे यहां जो फसाद बरपा है उसकी एक वजह यह भी है कि अब कि अगर किसी को किसी गलती पर टोकना है बरसरे आम उसको रुसवा कर दिया। मस्जिदों में बहुत नजारे नजर आते हैं, ये मस्जिदों में कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है गलत कोई तरीका इख्तियार कर रहा है, दूसरा शख्स खड़े होकर उसको डांटना शुरू कर देगा, ये क्या है, डांटना शुरू कर देगा। तो ये तरीका, ये दावत का तरीका नहीं है, ये पैगंबराना तरीका नहीं है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में एक देहाती आया, एक मर्तबा देहाती था, अब देहाती अनगढ़ लोग होते हैं, आके पहले तो उसने दुआ की और दुआ भी अजीब की, दुआ ये की कि अल्लाहुम्मा अरहमनी व मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा, दुआ ये की कि अल्लाह बस मुझ पर रहम करिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कीजिए और हमारे साथ किसी पर रहम ना कीजिए, यह दुआ करी। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया लकद हज्जर तवासिया, अल्लाह के बंदे
अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, तुमने उसको बड़ा तंग कर दिया कि दो ही आदमियों में महदूद कर दिया, बस इतना फरमाया। खैर थोड़ी देर गुजरी थी, वो अनगढ़ आदमी वहीं मस्जिद के अंदर खड़े होकर पेशाब कर दिया। अब सहाबे किराम जो है वो बड़े दौड़े उसको और कोई बुरा भला कहने लगे भाई मस्जिद में तुम पेशाब कर रहे हो। हुजूर ने फरमाया कि ला तुज़रिमूह, अरे भाई जब करना शुरू कर दिया उसने तो अब रोको नहीं, पेशाब बंद हो जाएगा तो तकलीफ हो, पता नहीं किस बीमारी में मुबतला होगा, बेचारा नादानी में देहाती आदमी है जानता नहीं है, करने दो बाद में इसके ऊपर बहा देना और फिर इसको समझा देना। चुनाचे और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, तुम्हें यानी उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आसानी पैदा करने वाला बनाकर भेजा गया है, मुश्किल पैदा करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। अब आप जरा अंदाजा करो मस्जिद में कोई शख्स पेशाब कर रहा हो है, आज कोई बताओ, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों में इतना शूर तो आ ही गया है कि मस्जिद के अंदर निकल, लेकिन अगर कोई देहाती अनगढ़ जाहिल आ जाए और ये हरकत करे तो क्या होगा उसका, लोग तिक्का बोटी कर डालेंगे उसकी। लेकिन हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुज़रिमूह, जब हो गया एक काम तब उसको पानी बहा दो, फरमाया एक डोल लेके आओ पानी का बहा देना। तो उस इतने खतरनाक और इतनी संगीन गलती पर भी नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि सख्ती करो उसके ऊपर। तो भाई हम कहां से आगे सख्ती करने वाले हैं, हम अगर किसी को मस्जिद के अंदर कोई गलत काम करता हुआ देखते हैं तो उसको डांटने का, डपटने का, उसको तजलील करने का, तहकीर करने का क्या जवाब पैदा होता। हां गलती हुई है तो भाई उसको मोहब्बत से प्यार से समझा दो, भाई ये मस्जिद की जगह है, इसमें ये मुनासिब नहीं है, आप इस तरह कर लें। तो ये तवासौ एक दूसरे को वसीयत करें, नसीहत करें मोहब्बत से, प्यार से, हमदर्दी से, दिलसोजी से, खरखाई से, यह है पैगाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।